तो अभी हम अपने जो हमारा हुंडर में यानी कि नुब्रा के अंदर जो कैंप था उससे हम निकल रहे हैं पेंगोंग लेक के लिए। तो सुबह के 6 बजे हैं, जल्दी निकलना पड़ता है। पानी होता है हमारे यहाँ शायद में पानी होता है, इसीलिए गेस्ट सुबह 6 बजे यहाँ से निकलते हैं। हाँ सर, इसी कारण में कि धूप जैसे आता है कि आगे पानी ज़्यादा आता है, इसीलिए गेस्ट को प्रॉब्लम होता है सर। इसीलिए गेस्ट हमारे सुबह 6 बजे यहाँ से आउट होते हैं सर। रियाज ने बड़ी सेवा की है यहाँ पे 2 दिन, और पूछता रहा है कि सर जो भी आपको कुछ भी चाहिए हमें बताइए आप। तो रियाज थैंक यू सो मच, ओके वेलकम, है ना। और आई होप फिर मिलेंगे, कभी आएंगे तो पक्का मिलेंगे सर, है ना, पक्का मिलेंगे सर। ओके सर, तो हमारी देखिए गाड़ी रेडी है, हमारे ड्राइवर साहब सोनम लगे हुए पैकिंग करने में। सुबह सुबह सभी उठ गए हैं और सामान हमारा पैक हो चुका है उसके रूफ पे गाड़ी की, और अब हम निकलेंगे पेंगोंग लेक के लिए यहाँ से। तो ये वो बाई रोड है, वो पॉइंट है जहाँ से हम निकलेंगे पेंगोंग के लिए। राइट से ही रास्ता जो आता है वो आता है लेक की तरफ से खरगंगला होते हुए, और हम अभी कल्सर क्रॉस करके आए हैं और अब पेंगोंग लेक के लिए निकले। ये रास्ता पेंगोंग लेक के लिए जाएगा। तो जब आप नुब्रा की तरफ से आते हैं तो डिस्किट और कल्सर क्रॉस करके, और यहाँ से आप फिर अलग रास्ते पर हो जाते हैं श्योक के रास्ते, शोक रिवर के रास्ते। जब पेंगोंग लेक जाना है तो इस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। यहाँ रास्ता काफ़ी ख़राब है और थोड़ी सी इस तरह की ऑफ रोडिंग देखने को मिल सकती है पूरे रास्ते में। श्योक रिवर के बीच में से रास्ता जाता है जहाँ से ऑफ रोडिंग है, सारी गाड़ियाँ इस बीच में से निकल कर जाती हैं, मतलब नदी का रास्ता भी अपनाना पड़ता है पेंगोंग जाने के लिए। आगम पहुंच चुके हैं, आगम से ये यहाँ पे टी पॉइंट बनता है, लेफ्ट में जो गाड़ी जा रही है इस तरफ पेंगोंग लेक की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आके आपको लेफ्ट होना है। तो हम यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, हम ब्रेकफास्ट पैक करा के लाए थे अपने जो कैंप जहाँ पे रुके थे, क्योंकि जल्दी निकलना था इसलिए उस वक्त नहीं कर सकते थे 6 बजे, इसलिए हमने ब्रेकफास्ट पैक करा लिया था। और ये एक आर्मी वालों की कैंटीन है यहाँ पर हम रुके हैं बिल्कुल श्योक रिवर के एकदम पास में, तो आपको दिखाता हूँ।
इधर हम आगे चले जाएंगे पेंगोंग के लिए, इधर से हम आए थे। यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। दोस्तों ये श्योक रिवर है और इसके आगे ना एक पॉइंट है वाटर का, भी आपको दिखाएंगे आगे। देखो ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे ना पूरा, तो आगे थोड़ा सा टफ है, मतलब गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकलती है, हमें भी पैदल उतर के यहाँ पे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जब भी आप इस पॉइंट से गुजरेंगे तो आपको भी इसी तरह से गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा, और बाइक वालों को तो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल होती है, तो यहाँ से निकलने में थोड़ी बहुत परेशानी होनी पड़ेगी। और ये सारी गाड़ियाँ जो हैं वो इसी तरह से आराम आराम से यहाँ से निकलेंगी। बिल्कुल बगल से श्योक रिवर है, इसी का ही पानी वो उस रोड पे आया हुआ है। ये देखिए बाइक निकल रही है और निकल गई गाड़ी, अभी एक नेक्स्ट बाइक जाएगी। अभी देखो ये गाड़ी निकल जाएगी, अभी एक गाड़ी और निकलेगी, अभी देखना इनोवा है, ये इनोवा निकलेगी। इससे पहले भी इनोवा गई थी, जब इनोवा आराम से चली गई है तो उसने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, थोड़ा सा रॉन्ग राइट साइड में ले ली तो उसकी एक साइड से गाड़ी झुक गई। तो हम ये दुर्बुक पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पे आप चौक देख रहे हैं, इससे हम यहाँ लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट पेंगोंग की तरफ, और ये राइट में जो रास्ता है वो ले की तरफ जाता है। अब हम लेफ्ट मुड़ेंगे, देखिए बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पे घूमते हैं, सीधा रास्ता जाएगा। ये देखिए फुल ऑन ऑफ रोडिंग रास्ता यहाँ पर बहुत ख़राब है, और आराम आराम से गाड़ियाँ चलती हैं। आप आगे की तरफ देख रहे हैं जो तीन गाड़ियाँ और आगे की तरफ जा रही हैं वो भी बहुत आराम आराम से चल रही हैं, पत्थरों में से निकलना पड़ता है। दोस्तों ये देखिए श्योक रिवर है, यहाँ पानी अब नहीं है, पानी दूसरी तरफ से बहता है, लेकिन उस रास्ते से गाड़ियों को निकलना पड़ता है। चल आ गया भाई एडवेंचर।
तो हम फाइनली पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक के सामने। आपको दिख रही है नीला नीला पानी और नीला आकाश। हालांकि आकाश पर आपको बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन फाइनली हम पेंगोंग लेक पर पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल साइड में से जो रोड जाता है उसके ऊपर चल रहे हैं। अभी हम आगे शूटिंग पॉइंट पर पहुँचेंगे। दोस्तों मैं पेंगोंग लेक पर आ चुका हूं और मेरे सामने बिल्कुल पेंगोंग लेक है। आपको भी दिखाऊंगा उसके कुछ विजुअल्स और बड़ा शानदार है। और मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं वो लोकेशन है, शूटिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं। यहां पर थ्री इडियट्स फिल्म की शूटिंग हुई थी और आप देखिए उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई है जहाँ पर आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। 50 रुपीज़ ईच लोकेशन ईच मेंबर चार्ज है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, ये बाइक है जब तक है जान फिल्म का यहाँ पे सीन शूट हुआ था, अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान। आप देखिए ये वाला जो सीन था, तो उसके लिए ये बाइक, इस बाइक पर आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं 50 रुपीज़ कोई भी एक व्यक्ति। ये तीन ड्रम जिसमें थ्री इडियट्स फिल्म का सीन शूट हुआ था, इसमें भी खिंचा सकते हैं ईच मेंबर 50 रुपीज़। और यहाँ पे आप ये स्कूटर जो करीना कपूर आती है स्कूटर पर बैठकर आमिर खान के पास, बिल्कुल एंड में जो क्लाइमेक्स है थ्री इडियट्स फिल्म का, इसी साइट पे, इसी लोकेशन पे, तो इस पर भी आप खिंचा सकते हैं ईच मेंबर 50 रुपीज़। और ये थ्री इडियट्स फिल्म का ही जहाँ पर बैठते हैं तीनों लोग, जैसे ये लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल इसी तरह से बैठते हैं, तो यहाँ पर भी 50 रुपीज़ का चार्ज है ईच मेंबर। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे ये लोकेशन क्रिएट की हुई है। और आप आगे देख सकते हैं, मैं एक बार थोड़ा हाइट पे जाके दिखाता हूँ। आप देखिए ये यहाँ पर उन्होंने काफ़ी स्कूटर्स और ड्रम्स वगैरह रखे हुए हैं। सो एनीवेज, और अब आपको लेकर चलते हैं पेंगोंग लेक की तरफ। बिल्कुल बहुत नज़दीक है, ऐसे ही पैदल जाएंगे। ये पेंगोंग लेक बिल्कुल नज़दीक आ गए भाई, ये देखिए। और जैसा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, कुछ लोग ड्रोन्स भी उड़ा रहे हैं। देखिए ये ड्रोन गया एक ऊपर, तो लोग यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की अथॉरिटी को कुछ चार्ज देना पड़ता है, उसके बाद आप ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ब्यूटीफुल लेक, हाँ ब्लू पानी एकदम दिखता है यार ना। आज थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा बादल है, हाँ क्लाउडी, इस वजह से वो ना ब्लू स्काई नहीं दिख रहा, थोड़ा सा उस तरफ दिख रहा है बस। आसमान साफ हो, बहुत अच्छा आसमान साफ हो ना, तो ये बिल्कुल जो पहाड़ है ना सामने, उसके उस तरफ पूरा ब्लू स्काई दिखता है। अरे पीछे आओ, पानी भर जाएगा, पीछे आ जाओ। जो सूर्य की जो लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन से ये हिल्स एरिया और भी अच्छा लगता है। हाँ करेक्ट, पीछे हो जाओ आप। ये देखो ये क्या खेल कर रहा है, पानी आ गया बेटा, जूते भीग जाएंगे ना, बहुत ठंड लगेगी, बहुत ठंडा पानी है ये। सो दिस इज पेंगोंग लेक। और देखिए ये कुदरत का चमत्कार ही है कि इतनी हाइट पे, मतलब 13,000 फीट की हाइट के ऊपर यहाँ लेक, आपको देखिए कितना किलोमीटर लंबी लेक, आपको पहाड़ों के बीच में आपको ऐसा चमत्कार किसी और देश में मिलेगा नहीं, वो सिर्फ इंडिया में है। तो ये इंडिया में भी एक तरह का चमत्कार है, थोड़ा सा चाइना में भी है, मतलब चाइना में भी इसका थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा पार्ट है, बट इंडिया में आप अलग अलग तरह की खूबसूरती देख सकते हैं, तो ये उनमें से एक खूबसूरती है और नेचर का, कुदरत का करिश्मा है ये कि इतनी हाइट के ऊपर और ये चारों तरफ पहाड़ और उनके बीच में इतनी शानदार और एकदम साफ पानी की लेक।